आदरणीय पायलट साहब, आप सबके लोकप्रिय विधायक प्रियव्रत जी, हमारे पूर्व सांसद नारायण सिंह जी और मैं संसद में इकट्ठे रहे 5 साल। इतने शालीन सज्जन आप लोगों के जनसेवक हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष, पंचायत के, ब्लॉक के, सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्तागण और इतनी बड़ी तादाद में आप सब इस सभा में मौजूद मेरे किसान भाइयों, दोस्तों, नौजवान, आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, अब ये सबसे पहले तो मैं माचलपुर की वीर जनता को नमन करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। और ये प्रियव्रत जी जो बोल रहे थे, ये आप लोगों के साथ जो संबंध है, ये संबंध राजनीतिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध, ये वो संबंध नहीं है। ये संबंध जज्बात का है, अपनेपन का है, प्यार का है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने हमेशा से हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव हैं और जैसा प्रियव्रत जी बता रहे थे, 17 तारीख को वोट पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग दो दशक से एक पार्टी का राज है। इतने लंबे समय से ये पार्टी शासन में है और आप लोग समझदार लोग हो, जो तवे पे रोटी होती है ना, थोड़ी देर बाद उसको पलटना पड़ता है, नहीं तो रोटी जल जाती है। अब 17 तारीख को तवे पे रोटी पलटने का समय आ गया। आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, आपको उसको देखना है। और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, भोपाल में है, उनके कामों को देखो, उनके वादों को देखो। और ये बार बार भाषण देते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, ये बोलते हैं ना। तो यही बात हिमाचल प्रदेश में कहते थे, डबल इंजन बनाएंगे सरकार। तो वहां तो एक इंजन हमने सीज करा दिया इनका, दूसरा इंजन का कर्नाटक में है, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, वो इंजन भी फेल हो गया। अब आप लोग यहां पे भोपाल में कांग्रेस का तिरंगा गाड़ दो, दिल्ली फतेह कर देंगे हम लोग 2024 के अंदर। देश के नौजवान और देश के किसान, बहुत मौका दिया, दिल खोल के पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में मनवाई। 9.5 साल हो गए, बीजेपी ने वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। या बहुत सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? इन्होंने कहा था विदेशों में बहुत सारा काला धन है, हम उसको लाएंगे, आपके खातों में डाल देंगे। किसी के खाते में फूटी कौड़ी आई है विदेश के पैसों की? बल्कि ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जो आम नागरिक है उसकी जेब पे डाका डाला है। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर बिक रहा है। बाजार में जाओ, फल फूल साग सब्जी, चाय पत्ती, तेल, चीनी, कुछ भी ले लो, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है, इतनी कभी नहीं रही। आप भाजपा से पूछो, अरे भाई नौजवान, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, आपको भाई टमाटर प्याज आलू गोभी महंगी हो गई है, आप क्या कर रहे हो? मंदिर मस्जिद ले दे के बीजेपी के पास सिर्फ यही एक जुमला है। धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, और जब सत्ता इनको दे दो तो भाषण लचीले लचीले भाषण दे लो, जुमले दे लो, वादे करा लो, लेकिन धरातल पर पिछले 9.5 साल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या दिया आप अच्छी तरह जानते हैं। आज प्रियव्रत जी आपके द्वारा उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी ने, एक बार पुनः आप सब लोगों पे विश्वास कर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, प्रियव्रत जी हमारे भाई हैं, लेकिन जब जब यहां पर मैं आके आपसे वोट मांग के गया हूं, आपने बंपर वोटों से प्रियव्रत जी को जिताया है। और ये नौजवान भी आपकी आंखों के सामने जब नए नए विधायक बने, फिर दोबारा बने, फिर मंत्री बन गए,
अब इतना अनुभव आ गया इनको कि बाल बाल भी थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन ये सब आपके लिए कर रहा है। अगर आदमी घर परिवार की चिंता करे नहीं, 18 घंटे गांव गांव घूमकर काम करे, और जब सत्ता में हो तो इनकी कलम की स्याही आप लोगों की भलाई के लिए लिखी जाती है, इससे बड़ा जनप्रतिनिधि कहां मिल सकता है आपको। और जो दूसरे उम्मीदवार है हमारे भाजपा के, उनको भी आप जानते हो, हम भाई हमारी पार्टी बढ़िया, हमारी विचारधारा बढ़िया, हमारी नीति बढ़िया, हमारा उम्मीदवार सबसे बढ़िया, तो फिर क्यों सोच रहे हो? और 17 तारीख को प्रचंड बहुमत देकर पूरे मध्य प्रदेश में संदेश देना पड़ेगा कि ईमानदारी और मेहनत को आप स्वीकार करते हो और जाति बिरादरी की बातें छोड़ दो। अरे कौन डांगी है, कौन सोंदिया है, कौन राजपूत है, कौन मीना है, कौन गुर्जर है, कौन ब्राह्मण है, भूल जाओ। ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को आपको जिताना है। और मेरे राजस्थान में चुनाव चल रहा है, हमारा जिला झालावाड़ बगल का जिला है, हमारे डग में खानपुर में सारे हमारे रिश्तेदारियां हैं आप सब लोगों के साथ, हमारे कुछ नेता वहां के यहाँ बैठे हैं। तो राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी के बनने जा रही है। इस जीत में आप माचलपुर के लोगों की आहुति पड़े, आप सब लोगों का योगदान हो, और एक बार दोबारा प्रेम सिंह जी को आशीर्वाद देकर भेजो और भोपाल में बैठ के आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं। और राजस्थान में भी वहां पर भी एक क्रम चलता है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ऐसी रहता ना वहां, इस बार उसको तोड़ना है। और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे विरोधी तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा ये लोग क्या है, अफवाह फैलाने में नंबर वन है, इनको सुरसुरा छोड़ना हो, अफवाह फैलानी हो, झगड़ा कराना हो, आपस में आक्रोश पैदा करना हो, लोगों को भिड़ाना हो, नंबर एक, इनका कोई मुकाबला नहीं। हम बात करते हैं खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उद्योग की, निवेश की, नौकरी की, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये बात करेंगे राम मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, जाति की, गोत्र की, भाषा की, इन सब बातों को भूलकर हमें देश को और पूरे देश में मिजाज बदल रहा है, पूरा देश बदलाव चाह रहा है। और इन 3-4 राज्यों में जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी तो 2024 में भी बीजेपी का जो दिल्ली का सिंहासन है वो डोलने लगेगा। ये आप लोगों की ताकत का अंदाजा आप लोगों को होना चाहिए। मैं तो आप लोगों से वोट मांगने भी आया हूं, और हमारा एक परंपरा सी बन गई है, जब चुनाव की घोषणा होती है तो प्रेमवत जी का मुझे तुरंत मैसेज आ जाता है कि सचिन जी हमें यहाँ जाके प्रचार करना है। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हो सकती हैं, लेकिन इस क्षेत्र को, इस इलाके को मैं अपना मानता हूँ, इसलिए हर बार आके आपके सामने वोट मांगकर जाता हूँ। ये आपका प्यार है, मुझे और सभाओं में जाना है, लेकिन हर बार की तरह आपने असीम प्रेम और आशीर्वाद हम लोगों को दिया। और हम लोग न सिर्फ प्रेमवत जी, इस क्षेत्र के विकास में जितना जोर लगाना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हम सब भी मिलकर प्रेमवत जी की मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है सब जानते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि भी मजबूत वोट से, देखो पिछली बार जीते थे 29,000 वोट से, सही कह रहा हूं मैं प्रेमवत जी भाई? 29,000 वोट से जीते थे, सुनो 29,000 वोट से जीते थे तो बिजली मंत्री बने थे। अब आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दो, उससे भारी महकमा मिलेगा इनको, काम करने का मौका मिलेगा आपके बीच में मेरे साथ। अंत में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, आज गोवर्धन का पर्व है, दिवाली, भाई दूज, धनतेरस, गोवर्धन, ये शुभ मौके पर आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी झोलियों में भगवान ढेर सारी खुशियां भरे, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हमारा प्यार मोहब्बत का जो परंपरा इतिहास है उसे परमेश्वर हमेशा बनाकर रखे, आप लोग हमेशा खुश रहो और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रहना चाहिए। मैं जोरदार नारा दूंगा, सबको नारे पे जोरदार जयकारा लगाना है, कांग्रेस पार्टी भाई वो छत पे खड़े हो नहीं बोले, लोग छत वाला कोई नहीं बोला, जोर से बोलना है कांग्रेस पार्टी। और ये तीसरा अंतिम नारा, ये भोपाल तक आवाज जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।